हाय, मैं हूँ सैफ अली खान. हाय, मैं हूँ जैकलीन फर्नांडिस. हाय, मैं हूँ जॉनी अब्राहम. हाय, मैं हूँ दीपिका पादुकोण. हाय, दिशान कपूर. हाय, मैं हूँ मीशा पटेल. टू वॉच एक्सक्लूसिव वीडियोस ऑफ रे, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन अबव दिस वीडियो. अबव द वीडियो. अबव दिस वीडियो. तो हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हो इस वक्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ चैनल और मैं हूँ फैसल यासीन. तो व्यूअर्स, आज अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ फ़र्क आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है सुनने में तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है. फिर भी मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोस से अपडेट रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ गलतियों को माफ़ करना. तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 की, जिसकी स्टार कास्ट में आयुष्मान खुराना शामिल है. जबकि अगर बात कर लो इस मूवी की रिलीज़ की, तो ये मूवी 28 जून को रिलीज़ की गई थी. अगर बात कर लें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 28 करोड़ का था. वैसे अगर बात कर लें इस मूवी के कलेक्शन की, तो इस मूवी का डेट तक का कलेक्शन, यानी कि रिलीज से लेकर डेट तक अब तक का टोटल कलेक्शन इंडिया के अंदर 32 करोड़ का हो चुका है. जबकि 13 करोड़ इस मूवी को ओवरसीज़ से मिले हैं, जिसको देखते हुए इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन लगभग 45 करोड़ का हो चुका है, जिसको देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है. इसके बाद बात कर लेते हैं हम एनाबेली मूवी की, जिसकी बजट की अगर बात कर लें तो इसका बजट 186 करोड़ का था. अगर बात कर लें इस मूवी के कलेक्शन की, तो रिलीज से लेकर डेट तक का इस मूवी ने इंडिया के अंदर 25 करोड़ का कलेक्शन करा है, जबकि वर्ल्ड वाइड से इस मूवी को 90 मिलियन डॉलर्स मिले हैं, जिसको देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है. फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम कबीर सिंह मूवी की, जिसने सिनेमा के यानी बॉक्स ऑफिस पर, आप कह लें सिनेमा पर या बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है, यानी कि अपनी छाप छोड़ दी है. अगर बात कर लूँ इसकी स्टार कास्ट की, तो इसमें शाहिद कपूर और कयारा आडवाणी शामिल थे. जबकि अगर बात कर लें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ 21 जून की है. तो व्यूअर्स, अगर बात कर लें सबसे पहले इस मूवी के बजट की, तो ये मूवी का बजट लगभग 60 करोड़ का था. अगर बात कर लें इस मूवी के कलेक्शन की, तो रिलीज़ से लेकर डे 16 तक का इस मूवी का अब तक का टोटल कलेक्शन इंडिया के अंदर 210 करोड़ का हो चुका है, जबकि ओवरसीज़ से इस मूवी को 70 करोड़ मिले हैं. जबकि अगर बात कर लें इस मूवी के नेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इस मूवी का नेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 280 करोड़ का हो चुका है, जिसको देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर सुपरहिट आप जो कह लें वो हो चुकी है. बस नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो. कहानी खत्म. देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब.